स्किन डिजीज क्या होती है और इसके क्या कारण होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके क्या निवारण हैं, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे डॉक्टर विनीशा वलियान से, जो कि डिविनिटी हॉस्पिटल मानसरोवर में कार्यरत हैं। नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर विनीशा। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर स्पेशलिस्ट। I work in Divinity Total Skin Care Jaipur. That's a clinic which is located in Mansarovar. मैडम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्किन डिजीज क्या होती है और इसके क्या कारण होते हैं। स्किन डिजीज, पहले तो हम स्किन के बारे में बात करें, जिसे हम हिंदी में त्वचा या चर्म या चमड़ी भी बोलते हैं, तो ये बॉडी का सबसे हैवी और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। जो टोटल बॉडी का वेट है उसका 16% जो वेट है वो स्किन को जाता है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो अराउंड 2 square meters है। इसकी कई लेयर्स होती हैं, लाइक इसकी लेयर टॉप मोस्ट लेयर है, मिडिल लेयर है, इसकी बॉटम लेयर है, जिसका नाम एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस है। तो जो चर्म रोग है वो जिस लेयर में हो रहा है, जब इस किसी भी लेयर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो हम उसको फिर चर्म रोग बोल देते हैं। तो जो कारण है वो कारण के हिसाब से ही हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्किन डिजीज़ है। लाइक कारण अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्टिव स्किन डिजीज़ है, कारण अगर इन्फ्लेमेशन है जो किसी भी कारण की वजह से हो रहा है, एक्यूट या क्रॉनिक, एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, क्रॉनिक मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर डिजीज़ को हो गया है तो वो इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ हम उसको बोल देते हैं। कारण अगर ऑटोइम्यून है, जब आपका डिफेंस सिस्टम ही आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो हम उसको ऑटोइम्यून स्किन डिजीज़ बोलते हैं, जो कई प्रकार की होती हैं। कभी कभी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से भी हमें स्किन डिजीज़ डेवलप होती है, तो कारण न्यूट्रिशन हुआ तो हम उसे न्यूट्रिशनल डिजीज़ बोल देते हैं। कारण कभी कभी एनवायरमेंटल होता है कि फिजिकल फैक्टर्स, हीट, कोल्ड, अल्ट्रावायलेट लाइट, प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, समथिंग लाइक दैट, इट्स वर्किंग ऑन योर स्किन, तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि डर्मेटोसिस बिकॉज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। कारण कैन बी कैंसर्स, कारण कैन बी ड्रग्स, मेडिसिंस, और यू नो सिस्टमिक डिजीजेस के अंदर कभी कभी स्किन सेकेंडरीली इन्वॉल्व हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि डर्मेटोसिस ड्यू टू सिस्टमिक डिजीजेस, या फिर एलर्जीज कैन बी द रीज़न, सो हम उनको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक, या लेमन लैंग्वेज में हम उसे एक्जीमास बोल देते हैं। सो कारण के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसको किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे, कि वो किस प्रकार की चर्म रोग की बीमारी है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कैसे मालूम पड़ता है कि एलर्जी कैसे इसको? एक्चुअली स्किन अगर हेल्दी नहीं है और कोई भी चेंज उसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी त्वचा की रोग हो रही है। वो शॉर्ट ड्यूरेशन भी हो सकती है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, कि वो इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, या वो लॉन्गर ड्यूरेशन भी चल सकती है कि दाने तो छोटे छोटे हैं मगर वो क्रॉनिक एंड रिकरेंट रहते हैं, कि बहुत लंबे चलते हैं और बार बार आते हैं। तो स्किन के अंदर कैसे चेंजेस हो सकते हैं? स्किन के अंदर डिस्कलरेशन हो सकता है, जो कि हो सकता है कि हाइपोपिगमेंटेशन हो जाए, कि कलर बहुत लाइट या वाइट हो गया, या हो सकता है कि कलर डार्क हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया या रेड हो गया, मगर वो फ्लैट है, उसके अंदर आप टच करेंगे तो आपको दाना फील नहीं होगा, उसको हम मेडिकल टर्म में मैक्यूल बोल देते हैं। अगर वही उभर जाए तो हम उसे पैप्यूल बोलेंगे। अगर उसके अंदर पानी भर जाए, छाले बन सकते हैं जो छोटे बड़े साइज़ के हो सकते हैं, कि हम उसे विसाइकल या बुला बोल देते हैं। कभी कभी वो गांठ फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम नोड्यूल बोल देते हैं। कभी कैंसर्स बन सकते हैं, हम उन्हें ट्यूमर्स बोल देते हैं, जो बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट कैसे भी हो सकते हैं। और अगर इस पर सेकेंडरी चेंज आ जाए, अब इन्हीं दानों के ऊपर पपड़ी बन जाए, क्रस्टिंग हो जाए, यू नो कि वो जो पस भर गई अगर, तो वो सूखने से क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, कि भाई एक मोटी थिक पपड़ी बन जाती है, वो हो सकता है। स्कार्स डेवलप हो सकते हैं, खुजली हो रही है तो हमको एक्सकोरिएशन मार्क्स दिखाई देंगे कि पेशेंट बहुत इचिंग करता है। और फिशर्स हो सकते हैं, कि डीप कट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको बोलते हैं क्लेफ्ट हो गया स्किन के अंदर। एंड सो दीज चेंजेस विल टेल यू दैट द पेशेंट इज हैविंग स्किन डिजीज। खान पान भी इसका कोई कारण होता है स्किन डिजीज का? जी हाँ, कुछ ऐसी स्किन डिजीजेज हैं जिनके अंदर खाना यानी कि फूड का रिलेशनशिप है, जिसको हम बोलते हैं डाइट एंड डर्मेटोलॉजी। तो कॉमन वंस में जिनका नाम सबने सुना होगा, एक्ने हुआ, डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस हुआ, फूड एलर्जीज हुआ, ये हर कोई जानता है। जैसे एक्ने के बारे में बात करते हैं, एक्ने का एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप है विद यू नो डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड जो डाइट हाई इन ग्लिसेमिक इंडेक्स होती है, मतलब जो शुगर लेवल्स को सडनली हाई
बनाती है, जैसे वाइट ब्रेड्स, वाइट शुगर्स, एनीथिंग विच इज़ वाइट प्रोसेस्ड फूड, आपका फूड विच इज़ वेरी हाई इन जैसे आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, ऑल दिस पास्ताज एंड योर स्टोर बॉट फूड्स, राइट? सो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फूड हाई इन ग्लासेमिक इंडेक्स, दे आर रिलेटेड टू एक्ने. तो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, हम काओ या बफेलो का जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ कोई भी सामान खाते हैं, तो काओ के मिल्क के अंदर उसके बेबी के लिए, काफ के लिए ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं नेचुरली, तो वो अपने बेबी के ग्रोथ के लिए होते हैं. व्हेन दे गो इनटू आवर ब्लड, सो दे इंक्रीज इंसुलिन लेवल्स, और इंसुलिन डायरेक्टली एंड्रोजन स्कोर सीबम को, यानी कि तेल बनाने वाली ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है, कि जिससे एक्ने होते हैं. और आजकल हम सब जानते हैं कि काओ को मिल्क इंक्रीज करने के लिए बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स लगाए जाते हैं, इवन इन US. सो दैट इंक्रीजेज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. सो जैसे आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, विच इज़ कनेक्टेड विद हाई इंसुलिन लेवल्स, एंड हेंस अगेन सीबम सिक्रीशन और बहुत ज़्यादा एंड्रोजन प्रोडक्शन. सो दैट इंक्रीजेज एक्ने, दैट इज कनेक्टेड विद एक्ने. सिमिलरली जो आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं, ये भी शुगर को बढ़ाते हैं, शुगर इंसुलिन को बढ़ाता है, और इंसुलिन इन टर्न इन सब ऑयल को एंड एंड्रोजन्स को इंक्रीज करता है. सो इट्स कनेक्टेड विद एक्ने. जैसे ही हम अपने फूड से ये सब कट करते हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, इवन विदाउट मेडिसिन. मैडम जैसे इसका निवारण कैसे किया जाए, अगर किसी को स्किन डिजीज हो जाए तो कैसे उसको, उसके डायग्नोसिस कारण सिस्टम क्या? जैसे किसी भी डिजीज़ का निवारण उसके कारण के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही स्किन डिजीज़ का निवारण भी उसके कारण पर डिपेंडेंट है. कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिस जो इन्फेक्शन से हो रही है, तो उनके अगर आपने हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखा, आपने होते ही प्रॉपर अगर एंटीफंगल, अगर फंगस है तो एंटीफंगल लिया डॉक्टर की एडवाइस से, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक लिया, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. कुछ क्रोनिक डिजीज होती हैं, उनमें भी अगर टाइमली इंटरवेंशन किया जाए, कि समय पर हमने अगर डॉक्टर को दिखाया और अपनी मेडिसिन ली, तो कंट्रोल रहती हैं और उनका रिकरेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है. निवारण जो है वो कारण पे ही डिपेंडेंट है. जो भी कारण होगा, अगर हम उसको रिमूव करते हैं या काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, तो निवारण ऑटोमेटिकली हो जाता है. मैडम फाइनली आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्किन डिजीज से बचा जा सके? स्किन डिजीज़ से जैसे बाकी कोई भी डिजीज़ है, बचने का तो आई डोंट नो कि कैसे बचा जा सकता है, मगर यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. कुछ भी चेंज आ रहा है, कई बार लोग उसको इतना लंबा खींचते हैं, या फिर कहीं भी दिखा लेंगे, केमिस्ट शॉप पे दिखा लेंगे, या हम जनरल फिजिशियंस को दिखाते हैं, अच्छी बात है, मगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यू शुड सीक स्पेशलिस्ट केयर. क्योंकि स्पेशलिस्ट जैसे आपको गाइड करेंगे, तो वैसे आपको केमिस्ट शॉप वाले या आपके अपने रिलेटिव्स या आप जो यूट्यूब पे देखते हैं या गूगल गाइड नहीं कर सकता. सो लीव गूगल बाबा, एंड व्हेनेवर यू हैव एनी स्किन कंडीशन, यू फील दैट देयर सडन चेंज हैपनिंग एंड नाउ इट्स बीन सम टाइम दैट वो चेंज है and it's bothering you, so you must seek specialist care. So this is my advice. Thank you to all the people. Welcome. Namaste.